अपन को आईब्रोज बनाना है, तो इधर पे आईब्रोज देखो थोड़े आगे की तरफ फैल रहे हैं, फिर पीछे जाते जा रहे हैं। यहाँ पे अपन को ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा तो पीछे की तरफ ही जा रहे हैं, तो पहले राइट साइड वाले बनाए, तो ऐसे आगे की तरफ लाल से ऐसे, यहाँ से थोड़े लंबे लंबे ले आना, नोज पे टच नहीं करना, अपन को यहीं पे खत्म करना है। थोड़ा और ऐसे आगे लाए एक सिंगल लाइन में, ये राइट साइड के हुए। अब लेफ्ट साइड के थोड़े ट्रिकी हैं, ठीक है, ट्रिकी क्या, सिंपल से ही है, अपन को बस कुछ नहीं, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो फॉलो करना है। हाथ के नीचे एक पेपर रख लो ताकि फैले ना, तो इधर से कर्व करना स्टार्ट किया, देखो थोड़े से बाहर की तरफ फैलाते हुए रखना, मैं थोड़ा और पास कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ फैलाया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पीछे की तरफ ले गए, तो जैसे जैसे पीछे जाते जाए अपन और पीछे की तरफ कर्व कर लो। मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा ऐसे घुमा लो, ताकि जो राइट हैंडीज है उनको प्रॉब्लम होती है लेफ्ट वाले आईब्रोज बनाने में। इस तरीके से धीरे धीरे कर्व करना स्टार्ट करो, पीछे जाते गए अपन फिर और ज्यादा कर्व है, ठीक है, तो यहाँ से थोड़े पीछे कर्व करे, ठीक है, तो अपन को डायरेक्शन पता चल गई। अब पीछे से आगे की तरफ ले आओ, ताकि इस जो पेपर पे है उस पे ना आए, तो हल्के हल्के पीछे से आगे की तरफ आएंगे, ओके, इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से लाओ ऐसे नीचे की तरफ करते करते। अपन यूजुअली ऐसे ही करते हैं, ठीक है, अपन जो शेप रहता है वो नहीं बनाते हैं, कि एक आउटलाइन बना दी उसके अंदर स्ट्रोक्स फिल कर रहे हैं, ये जो कर्व है, जो स्टार्टिंग का कर्व है, यही तुम्हारा शेप है आईब्रोज का। तो जितना ज्यादा तुम्हें आईब्रोज मोटे चाहिए उतना ज्यादा लंबे स्ट्रोक्स लगाओ, जितने छोटे चाहिए पीछे की तरफ पतले चाहिए, तो उस तरीके से रेदर देन एक शेप के अंदर बनाने से, इन आईब्रोज का जो कर्व आ रहा है ना ये ऊपर की तरफ, इसी से शेप बनाओ पूरा आईब्रो का, और हल्का हल्का चेहरे की तरफ लाओ, ताकि वो रियलिस्टिक लुक लगे कि ये चेहरे पे खत्म हो रहे हैं बात, जो यहाँ बंद हो रहे कह रहा स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ऐसे उबड़ खाबड़ मत रखना कि थोड़ा ऊपर थोड़े नीचे, सब इवन रखना एक जैसे, ठीक है, ये इस तरीके से हुआ और ये अपने आईब्रोस बन जाते, ठीक है। और भी पेंसिल ली अपन ने, ऊपर वाला पोर्शन जो दिख रहा है इसे तो डार्क कर ही देते हैं अपन अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हेयर्स वाला पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन तो पूरा डार्क है, तो इसे अपन नॉर्मली 4B से फिल करेंगे, स्मूथली फिल करना, ठीक है। अब बाकी का जो एरिया, जैसे ये वाला हिस्सा देखो मेनली ये वाला, ये लाइट है, तो अपन ऊपर से लाएंगे, डार्क बहुत ज्यादा नहीं घिसना है, अगर अपन को डार्क और चाहिए होगा अपन 6B कर देंगे, डार्क है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां से लेके यहां तक पूरा स्ट्रेच करना, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ही करो। अब नीचे है, यहाँ आना, यहाँ के नीचे आके लाइट होना स्टार्ट हुआ इस वाले पोर्शन में आईब्राउज के ऊपर, फिर से नीचे आए यहाँ पे आए, ठीक है, आईब्रोज के ऊपर यहाँ यहाँ डार्क किया और फिर बीच में हल्का हल्का लाइट किया, ओके, इस तरीके से, ऐसे मत करना कि कहीं पे लाइन बन जाए, बस ये इतना डार्क हो गया। आईब्रोज के ऊपर करो, तो आईब्रोज के ऊपर कैसे होगा, ये वाले पोर्शन में डार्क करेंगे अपन, आगे आते आते थोड़ा लाइट होगा और आगे आते आते थोड़ा और लाइट होगा, ठीक है। अब ये जो अपन आईब्रोज का पोर्शन था इसमें यहीं पे कंटिन्यू करेंगे शेड करना, नीचे नीचे लाते गए, राइट साइड वाली आएगा, यहाँ पे शेड करना स्टार्ट किया, नोज पे नहीं ले जाना कहीं पे भी, ओके, फिर से राइट वाले पोर्शन पे आते हैं अपन, चीक्स वाला पोर्शन छोड़ देना, उसके सराउंडिंग में अच्छे तरीके से करना शेड स्मूथली स्मूथली, ठीक
ठीक है, इस तरीके से। अब अपन को यहाँ यहाँ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ पे करना है सिर्फ ये थोड़ा फिंगर्स के पास है ये वाला एरिया, जैसे ये डार्क है देखो, तो यहाँ पे 4B से इस तरीके से थोड़ा डार्क उठाया और ऊपर आते गए, ऐसे एकदम से मत करना कि एक बहुत आगे तक डार्क लिया, थोड़ा सा डार्क करना और फिर उसे शेड करते हुए आगे ले आना। तो फिंगर्स की जो कवरिंग है, जैसे ये हिस्सा है, ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे, ओके, इस ये मैंने किया शेड। अब इस ऐसे तो छोड़ नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, हल्का हल्का आगे से शेड करते हुए लाऊंगा, ठीक है, इसे हल्का हल्का आगे शेड करते हुए लाऊंगा ताकि ये ब्लेंडिंग में आसानी रहे मुझे। यहाँ यहाँ थोड़ा पेपर के पास इस तरीके से डार्क टू लाइट करते लाऊंगा, तो यहाँ डार्क किया और पास करते करते लाइट किया, यहाँ इसके नीचे शेड किया मैंने हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं करना, 4B से शेड अपन को हल्का हल्का ही करना, okay। यहाँ चिन वाले पोर्शन पर देखो ये डार्क है, ठीक है, तो इस तरीके से करना है अपन को डार्क टू लाइट ऊपर। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर तक डार्क ले जाएंगे, अपन नीचे से डार्क स्टार्ट किया और ऐसे ऊपर करते करते जल्दी से लाइट कर दिया, ये डार्क है इसको जल्दी से ऊपर करते करते लाइट कर दिया। ये वाला पोर्शन पे आते हैं अब, तो ये देखो ये डार्क है और ये भी डार्क है, तो जैसे अपन ने लेफ्ट साइड किया था ना, ये हिस्सा डार्क पूरा ऐसे थोड़े प्रेशर के साथ, तो आगे जाते समय लाइट हुआ और लाइट हुआ और बस इतना काफी है। फिंगर्स के अराउंड ही रखने, जो अपन ने बीच में हाईलाइट छोड़ा उसके लिए नहीं करना। यहाँ पे फिर अब डार्क करना स्टार्ट किया मैंने, तो ये वाला जो फिंगर्स वाला पोर्शन है बहुत आराम से करना, फिंगर्स पे मत कर देना, ठीक है। तो डार्क किया, यहाँ से अब लाइट करते हुए और लाइट किया और लाइट किया, ठीक है। लिप्स के नीचे वाला पोर्शन अपन जब लिप्स हो जाएगा तब करेंगे, अभी के लिए इसे लाइट करा और लाइट करा ताकि ये ब्लेंडिंग में आसानी रहे, इतना कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी 4B वाली लेयर भी हो जाती है। हल्का हल्का यहाँ पे 4B नोज के पास शेड कर दो, नोज की जो स्टेम है, ठीक है, ये वाले पोर्शन पे, ताकि थोड़ी और डेप्थ आ जाए, बाकी कुछ नहीं। यहाँ नोस्ट्रल पे फिल कर दो 4B, ताकि जो डेप्थ चाहिए वो लेयर बाय लेयर है। ओके, इसको ब्लेंडिंग स्टेम से ब्लेंड करना, ब्रश से नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गई, इतना कर लो, इसके बाद इसे ब्लेंड करेंगे, करते हैं। ऊपर वाला पोर्शन अपन कॉटन से करते हैं, ये वाला, ठीक है, इसे धीरे धीरे करते हुए नीचे की तरफ लाते जाओ, धीरे धीरे नीचे की तरफ लाइट करते जाओ। देखो बहुत ज्यादा नहीं, इस वाले पोर्शन में भरना नहीं है अपन को, बस लाइटली करना है। लेफ्ट वाला, राइट वाले पोर्शन पे है, चीक्स वाले पोर्शन पे हाईलाइट का हल्का हल्का छोड़ा जो यहाँ पे दिख रहा है अपन को। आईज वाले पोर्शन पे आते हैं, हल्का हल्का बस आगे की तरफ लाओ, जो नोज पे अपन ने किया ये, ठीक है, यहाँ पे से ऐसे ब्लेंड करो और ब्लेंड करते करते थोड़ा चीक्स की तरफ ले गए, ब्लेंड करते समय थोड़ा चीक्स की तरफ ले गए। अब अपन ने नोज छोड़ रखी थी जो, ठीक है, इस पे अब हल्का हल्का ऐसे ब्रश चलाना स्टार्ट करो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं भरना है अपन को, हल्का से करना, नोज स्टेम ऐसी खाली रहनी चाहिए। जो जरूरी चीज है वो है ये, तो नीचे का हिस्सा जो है, ये नोज का बेस जो है, इस पे ब्रश चलाओ ताकि थोड़ा सा ये डार्क हो, ठीक है। ब्लेंडिंग स्टम्प लो, ब्लेंडिंग स्टम्प हल्का सा गंदा होगा, गंदा इन द सेंस ग्रेफाइट लगा होगा उस पे, तो इसकी जो बॉर्डर है जैसे नोस्ट्रल की, इस पे ऐसे चलाओ हल्के हल्के तरीके से ताकि ये जो कवरिंग टाइप एक है वो आ जाए। 4B पेंसिल लो, जैसे यहाँ पे दिख रहा ना डार्क सी लेयर, ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे शेड करो, ओके, इस तरीके से, और फिर इसको भी ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ब्लेंड कर दो,
है इस तरीके से। ओके, बहुत ज्यादा ब्रश नहीं चलाना नोज स्टेम पे वरना वो भर जाएगा पूरा। ऐसे धीरे धीरे करते हुए अब वापस कॉटन उठाई अपन ने। देखो ये अंदर वाला जो एरिया है ना, जैसे ये जो अपन ने डार्क किया था, इसे ब्लेंडिंग स्टम्प से करो, इसे सर्कुलर चलाते जाओ, हल्का हल्का बस बाहर लाके छोड़ दो। अपन को डार्क एरियाज करने हैं सिर्फ, ये डार्क एरिया करते गए ठीक है। फिर वापस आते कॉटन पे, आईज के नीचे वाला पोर्शन ये सर्कुलर चलाते जाओ ताकि इवनली स्प्रेड हो, फिंगर्स पे मत कर देना। ओके, यहाँ पे करते गए ऐसे कर्व करते हुए लाते जाओ, यहाँ पर अपन ने किया था। फिर इसे थोड़ा आसपास सराउंडिंग में फैलाओ वरना वो एक लाइन सी दिखेगी अपन को 4B की, जो अपन नहीं चाहते। ये राइट साइड वाले पोर्शन को ऐसे करो, देखो चिन पे जो अपन ने हाईलाइट छोड़ा उसे फिल नहीं कर देना ऐसे भरते हुए। यहाँ पे किया, इधर पे भी ऐसे सर्कुलर चलाओ, ऐसे कर्व करते रहो। बस एक बात ध्यान रखना, ये हाईलाइट जो अपन ने छोड़ी है फिल मत करना, जो भी एरिया रफ सा दिख रहा है उसे बाकी के ब्रश से कर लो। जैसे ये है, इसे ब्रश चलाओ, चलाते चलाते धीरे धीरे ऊपर ले आओ ठीक है। ऐसे कर्व करते गए अपन, यहाँ पे हल्का हल्का जो वी शेप दिखता है ना, उल्टा वी शेप, यहाँ पे ब्रश चलाओ थोड़ा, ब्रश की जगह ब्लेंडिंग स्टम्प चलाना, ब्लेंडिंग स्टम्प चलाओ हल्का हल्का, यहाँ पे चला है लिप्स के ऊपर जो वी शेप रहता है ठीक है। और फिर ये बेस पे, तो ब्लेंडिंग अपन ने कर ली है, जहां पे थोड़े अपन को एसेंशियल चाहिए थे जैसे यहाँ पे नोज के नीचे, वहां अपन ने किया ब्लेंडिंग स्टम्प लिया, तो बहुत लाइटली लाइटली ब्लेंडिंग स्टम्प से फिल करा। नोज स्टेम अपन कर सकते थे ब्रश से, लेकिन क्या है ब्रश इधर उधर फैलाता नहीं, ब्लेंडिंग स्टम्प जो है वो एक्यूरेटली वहीं करता जहां अपन को चाहिए है ठीक है। तो इतना कर लो ब्लेंड,